नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा फिल्म शोले का है, लेकिन इस किस्से को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, रमेश सिप्पी के सामने ये किस्सा निकला और वहीं से निकलकर आपके बीच पहुंचा है। अमिताभ बच्चन इस शो में बताते हैं कि एक बार शूटिंग के दौरान जब वो बेंगलोर से रामगढ़, जहां पर शूटिंग की जा रही थी, जो रामगढ़ गांव बनाया गया था फिल्म शोले के लिए, वहां पर जाने के लिए अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, चूँकि शूटिंग के लिए, दोनों एक ही गाड़ी में आते थे और एक ही गाड़ी में जाते थे। लेकिन उस रोज़ हुआ कुछ ऐसा कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, यानी कि जय और वीरू, एक ही गाड़ी में निकले तो थे, लेकिन वो गाड़ी बेंगलोर के बीच बाज़ार में ख़राब हो गई। अब धर्मेंद्र और अमिताभ दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो धर्मेंद्र को देखकर वहां जो पब्लिक थी उसमें गजब का उत्साह दिखा। अमिताभ बताते हैं कि तकरीबन 3 से 4 हजार की भीड़ ने अमिताभ और धर्मेंद्र को वहां पर घेर लिया और उसके बाद धर्मेंद्र ने फटाफट वहां से गुजर रहे एक ऑटो को रोका और उस ऑटो में हम दोनों बैठ गए और फिर शूटिंग के लिए पहुंच गए गाड़ी वहीं पर छोड़ के। और ऐसा ही एक किस्सा हेमा मालिनी ने भी बताया जयपुर का, कि जयपुर में एक रोज़ वहाँ से धर्मेंद्र जा रहे थे और रेलवे का जो फाटक होता है, ट्रेन वहाँ से गुजरनी थी इसलिए फाटक बंद कर दिया गया। लेकिन धर्मेंद्र में इतना पेशेंस कहाँ, वहाँ से एक साइकिल वाला गुजर रहा था जो उसके नीचे से साइकिल को निकाल कर ले जाता। धर्मेंद्र ने साइकिल वाले से साइकिल ली, खुद बैठे, साइकिल वाले को पीछे बिठाया और साइकिल चलाते हुए वहाँ से निकल गए। ऐसे हैं धर्मेंद्र, बिल्कुल मनमौजी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।